लेट अस टॉक अबाउट वन मोर इंटेलिजेंस थ्योरी, दैट इज मल्टीपल इंटेलिजेंस। वैसे तो इंटेलिजेंस की बहुत सारी थ्योरीज हैं जो लंबे समय से जिन पर चर्चा होती रही है, लेकिन इंटेलिजेंस की जो थ्योरी बहुत प्रोमिनेंट आज के समय में है वो गार्डनर ने दी थी। गार्डनर की बुक है फ्रेम्स ऑफ माइंड, बहुत मोटी बुक नहीं है, पतली सी किताब है, ऑनलाइन अवेलेबल है, कभी समय मिले और यदि इच्छा हो ये समझने की कि गार्डनर क्या कहना चाहते थे तो आई ऑलवेज सजेस्ट यू टू रीड दैट बुक। हार्वर्ड गार्डनर की बहुत फेमस बुक है फ्रेम्स ऑफ माइंड। उस बुक में हार्वर्ड गार्डनर ने कहा कि बुद्धि एक प्रकार की नहीं होती, इंटेलिजेंस इज नॉट अ वन टाइप और टू टाइप, क्योंकि इंटेलिजेंस में बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। और उन्होंने अपनी एनालिसिस से, अपनी रिसर्च से इनिशियली आइडेंटिफाई किया कि 7 फैक्टर्स आर देयर इन इंटेलिजेंस। सो ही प्रपोज अर्लियर दैट देयर आर 7 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंसेस। और उन्होंने यह भी कहा कि प्रत्येक व्यक्ति में केवल एक ही प्रकार का इंटेलिजेंस हो यह जरूरी नहीं है। गार्डनर यह कह रहे थे कि इंटेलिजेंस मल्टीपल होती है। उन्होंने शुरू में 7 तरह की इंटेलिजेंस आइडेंटिफाई की अराउंड 1983, एंड नाउ ही हैज एडेड 2 मोर। सो इन द रीसेंट लिटरेचर यू विल फाइंड 9 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस इफ यू रीड द रीसेंट लिटरेचर। वी हैव टॉक्ड अबाउट ऑल दीज 9 टाइप्स। वन इज वर्बल लिंग्विस्टिक, लॉजिको मैथमेटिकल, विजुअल स्पेशियल, म्यूजिकल, बॉडिली काइनेस्थेटिक, इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल, नेचुरलिस्टिक, एंड द लेटेस्ट एडिशन इन दिस इज एग्जिस्टेंशियलिस्टिक। लेट मी टॉक अबाउट इन ब्रीफ अबाउट ईच ऑफ दीज। वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, सोचकर देखिए, एक लेखक, एक जर्नलिस्ट, एक लॉयर, एक कवि, एक शिक्षक, इनमें क्या समानता होती है? ये भाषा के माध्यम से अपनी बात प्रस्तुत करते हैं। लेखक लिखकर, जर्नलिस्ट लिखकर या बोलकर, लॉयर अपनी लच्छेदार भाषा से अदालत में बात करता है, टीचर अपने भाषण से विद्यार्थियों को कठिन से कठिन संप्रत्यय को आसानी से समझा सकता है, कवि अपनी भावनाओं को अच्छे शब्दों से भाषा के रूप में व्यक्त कर सकता है। इन सब में क्या कॉमन है? ये वर्बल लिंग्विस्टिक्स है, क्योंकि यह भाषा का जो वर्बल स्वरूप है जिसमें भाषा बहुत संगठित होती है उसका प्रयोग करते हैं। इन सब में क्या कॉमन है? ये वर्बल फॉर्म यूज करते हैं। ऐसे ही आप साइंटिस्ट को देखिए, मैथमेटिशियंस को देखिए, कंप्यूटर प्रोग्रामर्स को देखिए, इंजीनियर्स को देखिए, अकाउंटेंट्स को देखिए, इनमें क्या चीज कॉमन आपको लगेगी? वो नंबर्स से, न्यूमरल्स से, रिलेशनशिप से, रिलेशनशिप ऑफ डिफरेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स, दे प्ले विथ दिस, दे वर्क विथ दिस। सो सच पीपल हु आर हैविंग सच टाइप ऑफ इंटेलिजेंस, दोज पीपल आर विद लॉजिको मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। थर्ड इज विजुअल स्पेशियल, आर्टिस्ट, फोटोग्राफर, इंजीनियर, सेलर, सर्जन, पेंटर, व्हाट इज कॉमन इन दीज पीपल? वो स्पेस को इमेजिन बहुत अच्छे से करते हैं, उनका जो विजुअल इमेजिनेशन होता है। आप हर एक बच्चे से जब आप चित्र बनाने को कहते हैं, सारे बच्चे बहुत अच्छे चित्र क्यों नहीं बना पाते? आप कोई उनको सीनरी बनाने को कहते हैं, सारे बच्चे क्यों नहीं बना पाते? क्योंकि हर एक का विजुअल स्पेशियल इंटेलिजेंस लेवल एक जैसा नहीं होता। तो इनमें विजुअल स्पेशियल इंटेलिजेंस होती है। कभी कंपेयर करिए म्यूजिशियन, कंपोजर, सिंगर, म्यूजिक टीचर, उनमें ऐसा क्या स्पेशल होता है जो बाकी में नहीं होता? उनमें सुरों की समझ होती है, उनमें लय ताल की समझ होती है। सो दिस इज कॉल्ड म्यूजिकल इंटेलिजेंस। देन नेक्स्ट इज बॉडिली काइनेस्थेटिक। डांसर्स को देखिए, बिल्डर्स को देखिए, जो मूर्तिकार हैं उनको देखिए, जो एक्टर्स हैं उनको देखिए, व्हाट दे डू। सो जब हम बॉडिली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस की बात करते हैं, जरा सोचकर देखिए, एक डांसर क्या करता है? अपने भावों को, कहानियों को, कथाओं को अपने शारीरिक भाव भंगिमाओं से प्रस्तुत कर देता है। एक बिल्डर क्या करता है? सारी
भूमि पर बड़ी बड़ी संरचनाएं बना देता है। एक स्कल्पचर मूर्तिकार क्या करता है, आपके डिफरेंट इमोशंस को उतार देता है एक स्ट्रक्चर में। एक एक्टर क्या करता है, डिफरेंट इमोशंस को डिफरेंट सिचुएशंस को प्रेजेंट करता है। सो सच टाइप ऑफ पीपल आर सेड हैविंग विद बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर, सेल्समैन जो आपको कुछ भी बेच जाता है, एंड पॉलिटिशियन क्या करते हैं, आपके साथ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करते हैं। किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाइए, अपनी समस्या का डिस्कस करिए, वो पहले आपके साथ पर्सनल रेपो बनाता है। किसी काउंसलर के पास जाइए, वो पर्सनल रेपो बनाता है, आपसे सारी चीजें पूछ लेता है, आप सारी चीजें उसे बता देते हैं। सेल्समैन आपको ऐसी चीजें भी बेच जाता है जो आपको तुरंत नहीं जरूरत होती, बट दे हैव द एबिलिटी टू कनेक्ट विद यू। दे हैव पॉलिटिशियंस कनेक्ट विद यू, बड़ी ऐसा भाषण देते हैं, हजारों लाखों लोग उनके साथ जुड़ जाते हैं, उनके एक इशारे पर लाखों लोग उनके साथ, करोड़ों लोग उनके साथ चल देते हैं। तो हर कोई पॉलिटिशियन क्यों नहीं हो सकता, बिकॉज दे डोंट हैव दैट इंटरपर्सनल एबिलिटी विच गार्डनर इज सेइंग इज अ काइंड ऑफ इंटेलिजेंस। सो दीज पीपल हैव इंटेलिजेंस, सच इंटेलिजेंस इज कॉल्ड इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट इज इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। देर आर पीपल हु थिंक विद इन, लाइक साइंटिस्ट, थ्योरिस्ट हु गिव डिफरेंट थ्योरीज, राइटर्स, फिलोसफर्स, दार्शनिक, उनमें इंट्रापर्सनल एबिलिटीज होती हैं, इंट्रापर्सनल एबिलिटीज होती हैं, ठीक है। तो ये भी एक प्रकार की इंटेलिजेंस है। फिर ये तो सात प्रकार की इनिशियल इंटेलिजेंस थी जो गार्डनर ने बताई थी। उसके बाद गार्डनर ने दो और इंटेलिजेंस ऐड की। इसमें पहली इंटेलिजेंस थी नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। उन्होंने कहा कुछ लोग होते हैं जो बहुत प्रकृति प्रेमी होते हैं, जिनको प्रकृति से अधिक जुड़ाव होता है। बायोलॉजिस्ट, कंजर्वेशनिस्ट जो जल नदी इसके संरक्षण के लिए बहुत काम करते हैं, आपको बहुत सारे उदाहरण मिल सकते हैं, आदरणीय बहुगुणा जी से लेकर के और जल पुरुष राजेंद्र सिंह जी तक, आप बहुत सारे ऐसे उदाहरण देख सकते हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन एज कंजर्वेशनिस्ट इस देश को, इस समाज को, इस प्रकृति को दिया। ये बड़े नाम है। तो आप अपने घर में काम करने वाले माली को देखिए, उसका एक एक पौधे के प्रति कितना प्रेम होता है। फार्मर किसान, उसको पता है कौन सी फसल के लिए क्या चाहिए, क्या खरपतवार है, क्या मौसम है, सब कुछ। तो जिनको प्रकृति से ज्यादा लगाव होता है या जो प्रकृति को बेहतर ढंग से समझते हैं, हर कोई प्रकृति को उतने अच्छे तरीके से नहीं समझ पाता, बट देर आर पीपल हु अंडरस्टैंड द नेचर मोर इफेक्टिवली बाई यूजिंग देयर नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। तो इसको हम नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस कहते हैं। एंड द लास्ट वन इज एग्जिस्टेंशियलिस्टिक इंटेलिजेंस। सोशल साइंटिस्ट, स्पिरिचुअलिस्ट, सोशल वर्कर्स जो समाज में व्यक्ति के अस्तित्व की बात करते हैं, हम क्यों हैं। सोशल वर्कर अपने लिए काम नहीं करता, समाज के लिए वो काम करता है। वो कहता है मैं समाज का अंग हूं तो मैं समाज के लिए हूं। जो स्पिरिचुअलिस्ट हैं, जो आपको स्पिरिचुअल थिंकिंग पर बात करते हैं, आपको आपके स्पिरिचुअल पावर्स को डेवलप करने की बात करते हैं, दे आर ऑल्सो, क्योंकि वो आपके मानव के रूप में अस्तित्व की बात करते हैं। तो ऐसे लोग जो मानव के रूप में अपने अस्तित्व पर ज्यादा चिंतन करते हैं, गार्डनर ने कहा ऐसे लोगों में एग्जिस्टेंशियलिस्टिक या अस्तित्ववादी बुद्धिमत्ता होती है। तो ये तो बात हो गई इंटेलिजेंस की। तो जब आप अपने लर्नर को ऑब्जर्व करेंगे तो आपको देखना पड़ेगा कि वो लर्नर किस तरह की बुद्धि वाला है।